वीडियो में इंस्टाग्राम के एक अमेजिंग से अपडेट के बारे में बताऊंगा, और ये पहले भी इंस्टाग्राम में था, बाद में इंस्टाग्राम ने इसे हटा दिया, फिर से इंस्टाग्राम ने इसे वापस से इंस्टाग्राम में ऐड कर दिया है। शुरू में आपको इंस्टाग्राम में लेकर ही दिखाता हूँ अपडेट है क्या। तो यहाँ से मैं इंस्टाग्राम में आपको लेकर चलता हूँ। प्रोफाइल में जैसे आप आओगे और यहाँ पर नीचे एडिट प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नीचे देखिए प्रोनाउंस, ये इंस्टाग्राम में पहले भी था, इंस्टाग्राम ने इसे बाद में हटा दिया था, फिर से इंस्टाग्राम ने इसे ऐड कर दिया है और ये नया अपडेट है प्रोनाउंस। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखा, वो अपने व्यूअर्स को बहुत मिसगाइड कर रहे हैं ये प्रोनाउंस से। इंस्टाग्राम अकाउंट रीच बढ़ेगा, आपके रील्स वायरल होंगे, आपके अकाउंट का जो रीच है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आपके अकाउंट को रीच नहीं मिलेगा, ना ही आपका जो रील है वो वायरल होगा। ये उससे डिफरेंट है, ये अलग है। कुछ ऐसे लोग हैं उनके लिए प्रोनाउंस एक वरदान है, ये एक ऐसा अपडेट है। तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा प्रोनाउंस है क्या, कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करता है, इसका काम है क्या, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो सब कुछ दूर हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे रोप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें, ठीक है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे मेक श्योर सेट करना ऑल पे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा इंस्टाग्राम में एक अमेजिंग सा अपडेट आ चुका है और वो है प्रोनाउंस। चलिए मैं आपको इंस्टाग्राम में लेकर चलता हूँ। अगर आप प्रोफाइल में आओगे, एडिट प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको नीचे यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा प्रोनाउंस। और बहुत सारे यूट्यूबर प्रोनाउंस को लेकर बहुत मिसगाइड कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को, बता रहे हैं ये अकाउंट से रीच होता है, फलकाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर प्रोनाउंस के ऊपर क्लिक करोगे, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर अगर वो नीचे ऑप्शन था देखिए लर्न मोर, अगर वो यहाँ पर क्लिक भी करते और यहाँ पर क्लिक करते, अगर आप वो यहाँ पर थोड़ा सा भी रिसर्च कर लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते आखिर ये है क्या, तो उनको डिटेल में पता चल जाता आखिर ये प्रोनाउंस है क्या, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये है क्या मैं आपको बता दूँ, ये जेंडर स्पेसिफाइड करता है। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए एड अप टू 4 प्रोनाउंस टू योर प्रोफाइल सो पीपल नो हाउ टू रेफर टू यू, यू कैन एडिट और रिमूव देम इट एनी टाइम, ठीक है। आप यहाँ पर 4 प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो, उसे कभी भी हटा भी सकते हो अपने अकाउंट से, ठीक है। तो बेसिकली ये जेंडर स्पेसिफाइड करता है और यहाँ पर आप 4 प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश में नॉलेज है आपको पता होगा नाउन वर्ब, ठीक है। जैसे हम लड़का होता है तो उसे बोलते हैं ही, अगर लड़की होती है उसे बोलते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो इट हर हिस दे देम, ठीक है, यह प्रोनाउंस होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी का नाम है प्रणव, ठीक है, प्रणव, तो यह नाम लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ चैट कर रहा है, ठीक है, आपका नाम प्रणव है और वो आपको यहाँ पर लड़की समझकर बात कर रही है और आपको सही नहीं लगता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, नाम से या फिर आपके फ़ोटो से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है आप लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। आपके नाम और फ़ोटो देखकर उसे पता नहीं लग पा रहा है आप लड़का हो या फिर लड़की हो, ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है। तो बेसिकली आप यहाँ से उसे क्लियर कर सकती हो कि आप लड़का हो या फिर लड़की हो। अगर आप लड़का हो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ही, अगर आप लड़की हो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो सी, यानी आपके नाम के आगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर प्रोनाउंस में ऐड करोगे। जैसे हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं सी और लड़के के लिए यूज़ करते हैं ही, फिर यहाँ पर हम किसी को हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी हैं, मुझे ये पता नहीं वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो यहाँ पर आप उन्हें बता सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या चलेगा, आपको प्रोफाइल से ही पता चल जाएगा, आप स्पेसिफिकली बता सकते हो मैं लड़का हूँ या फिर लड़की हूँ। और ये खास करके LGBTQA+ के लिए है, जो अपना जेंडर जो लड़का से लड़की हुए हैं या फिर लड़की से लड़का बने हैं, ठीक है, वो यहाँ पर स्पेसिफाइड कर सकते हैं अपना जेंडर। आप भी कर सकते हो और स्पेसिफाइड कर सकते हो जेंडर, तो बेसिकली उनके लिए है जो अपना जेंडर शेयर नहीं करते या फिर वो अनकॉन्शियस फील करते हैं बताने में। तो यहाँ पर आप जेंडर यहाँ पर स्पेसिफाइड कर सकते हो, ये एक आइडेंटिफाई है, यहाँ पर आप लड़का हो या फिर लड़की हो। यहाँ पर आप 4 प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए ही, हर, सी, इट,
दे देम वो करके आप किसी को संबोधन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोनाउंस है, ग्रामर है इंग्लिश के अंदर, वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं ही करता हूँ, ठीक है। ही करने के बाद यहाँ से चले मैं ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप चार प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है शो टू फॉलोअर्स ओनली, तो इसे आप दिखाना चाहते हो प्रोफाइल में या फिर नहीं, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ही किया। यहाँ पर आप वैसे चार कर सकते हो, ही सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ही करते हैं, तो जैसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए टिक करता हूँ, यहाँ से आप टिक करोगे, ये आपका कहाँ पर शो करेगा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर है कि आपके नाम के आगे यहाँ पर ही है। अगर कोई आपका फ़ोटो आपका नाम देखकर वो जान नहीं पा रहा आप लड़का हो या फिर लड़की हो, यहाँ पर अगर आपने ही लगाया होगा उसे पता चल जाएगा आप लड़का हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, जो एक नाम होता है वो लड़कियाँ भी रखते हैं और लड़के भी रखते हैं, और फ़ोटो भी ऐसा पता भी नहीं चलता वो लड़का या लड़की, उस सूरत में ये काफ़ी यूज़फुल है, उसे आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो खास करके उन लोगों के लिए वरदान है जो अपनी जेंडर को स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे थे, वो अपना जेंडर क्लैरिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, मैं लड़का हूँ या फिर लड़की हूँ। इससे आपके अकाउंट को रीच नहीं मिलेगा, ना ही आपका रील वायरल होंगे। बस ये एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है मैं कहूँगा, लेकिन आपके अकाउंट से इससे कोई लेना देना नहीं है रीच को लेकर, ठीक है। तो आगे से जब भी कोई वीडियो बनाए थोड़ा सा रिसर्च करके बनाए, ताकि व्यूअर्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।